हेलो दोस्तों, राधे राधे, छोटों को हाय, बड़े को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज का मौसम को आप लोग देख सकते हैं कितना सुहाना है और बादल भी किया हुआ है हल्का हल्का। और इधर देख सकते हैं मेरी मम्मी जी यहाँ पर डोरी है, उसको डर रही है। आप लोग देख सकते हैं इसका तेल वगैरह बनता है। तो चलिए मैं भी थोड़ा चलता हूँ डरने के लिए। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग डोरी को डर रहे हैं, ये रहे, क्योंकि दोस्तों डोरी तरने से थोड़ा फास्ट काम होता है ना। और देखिए यहाँ पर दाल निकल चुका है, इसको मैं बिछ रहा हूँ डोरी का। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लेना। और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा मैं कि गाँव की देसी मशीन से कैसे मतलब करते हैं, तेल निकालते हैं डोरी तेल। मम्मी और मैं मिलकर अभी काम कर रहे थे, डोरी दर रहे थे, तो डोरी को दर चुके हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर करौंदा है, तो इधर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं करौंदा ही को भी तोड़ूंगा क्योंकि चटनी बनाना है हम लोग को। देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा करौंदा हुआ है, पका नहीं है दोस्तों, पकता है तो ब्लैक दिखाई देता है ना, अभी ये कच्चा ही है। और देख सकते हैं अभी घाम भी उग रहा है और बादल भी किया था ना, चलिए अच्छा है। तो चलिए दोस्तों मैं तोड़ लेता हूँ, देख सकते हैं माघा पकड़ लिया हूँ और ये माघा में पानी हल्का सा है, तो चलिए तोड़ता हूँ मैं। देख सकते हैं मैं इतने सारे तोड़ चुका हूँ और अभी मैं निकलता हूँ घर। देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ घर, ये रहे हम लोग का घर उधर, ये वाला। और देख सकते हैं इतने सारे माघा पे मेरा तोड़ा हुआ हूँ करौंदा को, ज़्यादा नहीं तोड़ा हूँ दोस्तों, ज़्यादा क्या करेंगे, खट्टा खट्टा उतना नहीं खाना चाहिए। कुंडू वगैरह लगाए हुए हैं और यहाँ पर बर्तन वगैरह ये सब धोते हैं। अभी नहाने धोने के लिए निकल चुका हूँ और इधर देख सकते हैं धान वगैरह इधर लगाए हुए हैं। देख सकते हैं इधर वाला को काट दिए हैं, उधर वाला को बचा है दोस्तों, गर्मी वाला धान है। उधर देख सकते हैं नहा रहे हैं वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों मैं भी नहा धोवा लेता हूँ क्योंकि मेरे मम्मी जी ने बोला है कि नहा कर जल्दी आना। इधर देख सकते हैं भूसा वगैरह रखे हुए हैं और साथ में बोला है कि पानी वगैरह भी लेते आना, तो मैं देख सकते हैं बाल्टी भी ले रहा हूँ साथ में। और इधर करौंदा का चटनी जो मैं लाया था, और इधर देख सकते हैं दाल यहाँ पर डबक ही रहा है। चलिए दोस्तों चावल वगैरह हेरते हैं और खाते हैं। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ पैरा धोने के लिए, क्योंकि दोस्तों कब तक मतलब पानी भी देख सकते हैं बादल किया हुआ है और कब तक कैसे ही ढाके रहेंगे, भीज तो जाएगा ऐसे ही ढकने से। इसीलिए सोच रहा हूँ कि आज पैरा को धनिया देता हूँ, धन कर मतलब घर ले जाता हूँ, घर पे ढोकर वहीं से चारा वगैरह बैल लोगों को देंगे वहीं से सुबह सुबह, और वहीं से फंदाएंगे। ये रहे उस दिन ढाके थे, मैं आप लोगों को तो ब्लॉग में दिखाया था। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ से ले जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैं इधर ऊपर पे चढ़ चुका हूँ और देख सकते हैं इतने सारे पैरा पानी में बर्बाद हो चुका है भीन कर। तो हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग को निकाल निकाल के एक एक साइड कर रहा हूँ मैं, और अच्छा अच्छा को नीचे उतार रहा हूँ क्योंकि लगना है ना ढोकर। देख सकते हैं सो है गाइस, इधर देख सकते हैं पैरा था उसको हम लोग उधन चुके हैं और उधन कर नीचे कुढ़ा दिए हैं। ज़्यादा को नहीं, सब मतलब नहीं कर रहते हैं, पता नहीं ढोने सकाएगा कि नहीं, और मौसम भी कभी कभी अचानक बना देता है ना, इसीलिए थोड़ा ही कर कर धोएंगे, मतलब जितना ना सका जाए उतना हम लोग का प्रयास।